सात सूत्रीय मांग को लेकर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। सभी शाखा डाकघर में डिवाइस के बजाय लैपटॉप देने, समान कार्य के लिए समान वेतन देने, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाने सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। डाक सेवकों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके सात सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि कई बार हड़ताल करने के बावजूद भी केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। कोई भी सकारात्मक पहल ग्रामीण डाक सेवकों के पक्ष में नहीं किया गया है, मजबूरन उन्हें हड़ताल करने को विवश होना पड़ा। डाक सेवकों को हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। बता दें कि चमोली जनपद के 346 शाखा डाकघर है, जिनमें से लगभग 200 शाखाएं पोस्ट पेमेंट बैंक से जुड़ी है। डाक विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इन बैंकों से प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपए का लेन देन होता है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सर, पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप मीडिया यहाँ पे आए। तो हमारी जो सात सूत्रीय मांगे हैं वो तो आपको पता ही होगा, हमने सबको ज्ञापन दिया है और हम लोग यहाँ पे सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। जितने भी हमारे GDS भाई बंधु हैं सब हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक हमारी सात सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम कोई भी GDS भाई बहन हम वापस नहीं जाएंगे और अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे। चाहे हमें कैसा भी आंदोलन करना पड़े, हम लोग अपनी हड़ताल पर डटे रहेंगे। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम यहाँ पर बैठे थे, हैं और रहेंगे। अपने विभाग पोस्टल डिपार्टमेंट को दी है, जिनमें सबसे पहली मांग हमारी 8 घंटे ड्यूटी और 65 साल की उम्र के बाद पेंशन। दूसरा, हमारी ग्रेजुटी जो 1,20,000 रुपया दी जाती है उसको 5 लाख करने के लिए। हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है उसे भी 5 लाख किया जाए। सर, यहाँ पर हमारा मात्र एक्सीडेंटल में केवल 50 रुपया काटा जाता है, अगर कोई घटना घटती है तो उसे केवल 50,000 रुपया दिया जाता है। आज के इस युग में ईश्वर न करे किसी की दुर्घटना हो जाती है।